चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूर्णिया सीट पर तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को टिकट देना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट थमा दिया। ऐसे में मजबूरी में पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर दिया। बीमा भारती सहित आरजेडी और कांग्रेस ने पप्पू यादव को काफी कोशिश की मनाने की और कहा कि वो अपना नाम वापस ले लें, लेकिन पप्पू यादव नहीं माने। इसके बाद बीमा भारती ने पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम करार कर दिया। अब आरजेडी के सामने ही नई मुश्किल आ गई है। महिला राजद की पूर्व जिलाध्यक्ष सुशीला भारती अपने समर्थकों के साथ पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस के बागी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थन में उतर गई हैं। सुशीला भारती बिहार में तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की बहू हैं। सुशीला भारती ने लोकसभा चुनाव 2024 में पप्पू यादव को मजबूत उम्मीदवार बताते हुए कहा है कि सीमांचल में सामाजिक न्याय के लिए पप्पू यादव का सदन में जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के जीतने से INDI गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा और पप्पू यादव की सेवा और संघर्ष का लाभ पूर्णिया की जनता को मिलेगा। ये पूर्णिया के लिए जरूरी है। इसके चलते ही उन लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्हें पूर्णिया और जनता के हित में समर्थन दिया है। सुशीला भारती ने कहा कि पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के विकास के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। पिछले 10 वर्षों की बदहाली के बाद उनसे बेहतर कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने महिलाओं से अपने बच्चों के भविष्य और दुख दर्द में साथ देने वाले पप्पू यादव के कार्यों को ध्यान में रखकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सुशीला से पहले आरजेडी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जहीरुद्दीन ने भी कई प्रखंडों के अध्यक्षों के साथ पप्पू यादव के समर्थन में पार्टी से नाता तोड़ दिया। इसके अलावा जिला मजदूर संघ के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने भी पप्पू यादव के समर्थन की घोषणा की है। महिला राजद की पूर्व अध्यक्ष के साथ ही जयंती देवी, फातिमा परवीन, रीना देवी, सपन गुप्ता, रेखा देवी, सीमा गुप्ता, संगीता देवी ने भी पप्पू यादव के समर्थन में पार्टी को बाय बाय कह दिया है। यानी कि साफ है कि पप्पू यादव के साथ खेला करने वाली आरजेडी खुद फंसती दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बड़ी लीडर और पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन की भूमिका को भी लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की बड़ी नेत्रियों में से एक हैं। वो इस समय राज्यसभा सांसद हैं और खुद साल 2014 में सुपौल से सांसद रह चुकी हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि पूर्णिया सीट पर जेडीयू से संतोष कुमार कुशवाहा सांसद हैं। कुशवाहा 2014 और 2016 दोनों ही चुनावों में इस सीट पर जीते। इस बार भी जेडीयू ने उन्हें मैदान में उतारा है। एनडीए की सीट बंटवारे के तहत ये सीट जेडीयू के पास है। अब चुनावों में क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।